हाँ जी, तो कल है फर्स्ट जून और कल रात के 12 बजे लंदन में खेला जाएगा चैंपियन लीग का फाइनल, वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट। चैंपियन लीग के फाइनल की बात करें तो उसमें हर बार की तरह फाइनल में एक तरफ है रियल मैड्रिड और दूसरी तरफ है रशिया डॉर्टमुंड। बात की जाए रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड स्पेन का क्लब है जो कि इस टाइम ला लीगा के टॉप पे मौजूद है। पूरे में 38 मैच प्ले किए हैं इस सीजन में, जस्ट वन लॉस किया और 9 ड्रा हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक लॉस हुआ है पूरे 38 मैचेस में से रियल मैड्रिड के। इसी तरह देखा जाए तो रियल मैड्रिड की भरपूर तैयारी है चैंपियन लीग का फाइनल लेके जाने की स्पेन की। दूसरी तरफ अगर हम देखें रशिया डॉर्टमुंड, रशिया डॉर्टमुंड भी कम नहीं है रियल मैड्रिड के मुकाबले में, बट लगता नहीं कि रशिया डॉर्टमुंड जर्मनी ले जाए ट्रॉफी चैंपियन लीग की। एक टीम थी जो मैड्रिड को हरा सकती थी बट मैड्रिड ने उसे पहले ही आउट कर दिया था सेमीफाइनल में, वो है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी मुकाबले की टीम थी रियल मैड्रिड के, बट बदकिस्मती से मैनचेस्टर सिटी आउट हो चुकी है चैंपियन लीग से। इसको आउट करने वाली और कोई नहीं थी, रियल मैड्रिड ही थी। सेमीफाइनल में आउट किया था इसने, क्योंकि इन्होंने फाइनल की ट्रॉफी लेके जानी है स्पेन। इसी वजह से मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी जो कि इंग्लैंड का क्लब है उसे आउट किया था चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में से। बात की जाए ये मैच खेला जाएगा रात के 12 बजे 2 जून को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये मैच खेला जाएगा लंदन में वेम्बले स्टेडियम। वेम्बले स्टेडियम लंदन इंग्लैंड में मौजूद है जहां रिसेंटली एफए कप का फाइनल हुआ था मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान, और मैनचेस्टर सिटी बहुत ही बुरा हारी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, रेड डेविल से। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है मैनचेस्टर सिटी जैसे हारी है ऐसे रियल मैड्रिड भी हार जाए रशिया डॉर्टमुंड से, हो सकता है, पॉसिबल है, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, हो सकता है रशिया डॉर्टमुंड हरा सकती है रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड भी इतनी अच्छी टीम नहीं है देखा जाए। रियल मैड्रिड के 4 की प्लेयर की बात की जाए तो नंबर 1 पे मेरे पास आते हैं विनीसियस, नंबर 2 पे रोड्रिगो, नंबर 3 पे ब्लिंगम और नंबर 4 पे मेरे पास आते हैं वालवर्डी। टोनी क्रूज का मैं नहीं कहूंगा, टोनी क्रूज रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। ये यूरो खेलने के बाद, यूरो 2024 खेलने के बाद टोनी क्रूज इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे और हो सकता है ये इनका लास्ट मैच हो रियल मैड्रिड में चैंपियन लीग का। इसी तरह रोयस जो कि रशिया डॉर्टमुंड के प्लेयर हैं ये भी रिटायर हो जाएंगे इसी सीजन के लास्ट में। 4 की प्लेयर की बात की जाए रशिया डॉर्टमुंड की तरफ से एमरी जान है, हैमल्स हैं, जोल ब्रांडेड हैं और नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं रोयस, बहुत अच्छे मिड में खेलते हैं रोयस। तो प्रिडिक्शन लाइनअप है जो वो ये रही, ये रियल मैड्रिड की है। रियल मैड्रिड जाएगी रोड्रिगो और विनीसियस के साथ ओपनिंग करेगी और ये रशिया डॉर्टमुंड की है। आप देख सकते हैं रशिया डॉर्टमुंड के प्लेयर जो कि फॉरवर्ड ने बहुत अच्छा गोल किया था, इन्होंने गोल स्कोर किया था। ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।